हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओटू एंड डिजिटल एजुकेशन पर। मैं संदीप नागर और आज हम शुरू करेंगे बच्चों क्लास टेंथ का चैप्टर रिफ्लेक्शन। आज हम क्लास टेंथ का जो फर्स्ट चैप्टर है रिफ्लेक्शन हम आज शुरू करेंगे। वैसे तो बच्चों इससे जो पहले एक वीडियो मैंने डाली थी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर, उसमें मैंने आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के बारे में बताया था, ठीक है। तो वो थोड़ा एक इंट्रो टाइप मैंने आपको समझाया था, लेकिन आज हम नोट्सों के साथ, यहाँ आपको नोट्स भी मिलेंगे, आप चाहें तो अपने नोट्स भी मेंटेन कर सकते हैं वहाँ से। आज हम नोट्सों के साथ इस चैप्टर को स्टार्टिंग में इसकी बेसिक चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये आपकी कुछ रिफ्रेशर बुक हैं उनमें ये चैप्टर फोर है। अगर आप फिजिक्स की रिफ्रेक्स आप देखेंगे, रिफ्रेशर अगर आप फिजिक्स की देखेंगे टेंथ क्लास की, तो उनमें ये चैप्टर फोर है, इसलिए आपका डाला हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फोर, ठीक है। बेसिकली आपको बस इसके टॉपिक देखने हैं। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक लाइट से, उस वाली वीडियो में भी हमने ये देखा था, लाइट वाले में, लाइट के बारे में हमने डिस्कस किया था उस दिन। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लाइट क्या है बच्चों, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है लाइट? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्या जनरेट करती है, एक सेंसेशन जनरेट करती है, एक साइडनेस का, यानी कि जिससे हम अपने अराउंडिंग ऑब्जेक्टों को देख पाते हैं। तो यहाँ एक छोटी सी डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ मैंने रखी है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है बच्चों? फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ साइट इन अस, जो हमें क्या प्रोड्यूस करता है, सेंसेशन प्रोड्यूस करता है देखने का, यानी कि लाइट की वजह से ही हम चीजों को देख पाते हैं, ठीक है। अगर लाइट ना हो तो हम अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देख पाएंगे, हम डार्कनेस में कुछ नहीं देख पाते हैं, ये चीजें हमने डिस्कस किया था। उसके बाद फिर यहां आता है नेचर ऑफ लाइट, क्योंकि ये कुछ बेसिक चीजें हैं जनरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकता है डायरेक्टली आपसे ना पूछा जाए कि लाइट की नेचर क्या होती है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि लाइट की नेचर क्या है। थोड़ी बेसिक चीजें हैं जो आपको इनका नॉलेज होनी चाहिए। तो देखते हैं, यहां है जैसे नेचर ऑफ लाइट। अगर हम नेचर ऑफ लाइट की बात करते हैं कि लाइट की नेचर क्या है, जनरली बच्चों अगर देखा जाए तो आज अगर हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि लाइट की डुअल नेचर है। तो क्या स्टार्टिंग से ये थ्योरी थी? नहीं थी, स्टार्टिंग से ये थ्योरी नहीं थी। स्टार्टिंग में क्या था बच्चों, एक ग्रीक फिलोसोफर थे। कौन थे? ग्रीक फिलोसोफर पाइथागोरस। ये ग्रीक फिलोसोफर थे पाइथागोरस। हाँ जी बच्चों, बिल्कुल वही पाइथागोरस जिनका नाम आप मैथ में पढ़ते हुए आए हैं, और पाइथागोरस थ्योरम से आपने अनेकों सवाल सॉल्व भी मतलब किया होगा। 8th क्लास में भी हम पाइथागोरस थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 10th में भी करते हैं, 9th में भी करते हैं। तो ये वही पाइथागोरस हैं, और इन्होंने हमें क्या बताया था, पाइथागोरस ने हमें बताया था कि जो लाइट है मेड अप ऑफ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, कि ये स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बनी है लाइट। लाइट किससे मिलकर के बनी है? स्ट्रीम्स ऑफ पार्टिकल से, ठीक है, इमिटेड फ्रॉम ए सोर्स, ठीक है, इमिटेड फ्रॉम ए सोर्स। इसी के साथ हमारे जो, अगर हम ये कहें कि फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में, अगर आप देखते हैं, अगर मॉडर्न फिजिक्स हम पढ़ें और न्यूटन का नाम वहाँ ना हो, है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इनके बाद फिर आइजक न्यूटन ने क्या बताया था, इन्होंने एक पोस्टुलेटेड दिया था कि डेट लाइट मूव्स एज ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, कि लाइट जो मूव करती है वो कैसे मूव करती है, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स का एक ग्रुप, उस ग्रुप में ये मूव करती है, ठीक है। बट रेस्टोटॉइन यानी कि अरस्तु, अरस्तु का मानना क्या था, और एक दूसरे हमारे साइंटिस्ट थे क्रिस्टियन
हाइगेंस, इन दोनों साइंटिस्टों का ये मानना था, इनका बिलीव था कि भाई रे ये जो लाइट है ना मूव्स एज ए वेव। इन्होंने अपने काफी एक्सपेरिमेंट्स में बताया क्रिस्टियन हाइगेंस ने कि लाइट तो एज ए वेव बिहेव करती है। कि लाइट कैसे बिहेव करती है? एज ए वेव। तो इनका मानना था कि लाइट मूव करती है एज ए वेव, ठीक है। तो आगे हाइगेंस ने इसको प्रूफ भी किया था, भाई लाइट के जो दो लॉ हैं आप आगे पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन का और रिफ्रैक्शन का, इन दोनों लॉज को हाइगेंस ने अपनी थ्योरी से प्रूव भी किया था। तो हाइगेंस का मानना था कि लाइट मूव करती है एज ए वेव। बट अगर हम मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं, क्वांटम थ्योरी की हम बात करते हैं, तो क्वांटम थ्योरी हमें क्या बताती है? हमें क्वांटम थ्योरी बताती है कि भाई लाइट की तो नेचर दोगुली है, डुअल है भाई लाइट की नेचर। क्योंकि लाइट कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जहां बिहेव करती है एज ए पार्टिकल, और कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जहां लाइट बिहेव करती है एज ए वेव। अगर हम बात करते हैं डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस की, ये चीजें आप 12th क्लास में बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं, तो अगर डिफ्रैक्शन की बात करें इंटरफेरेंस की बात करें तो वहां लाइट बिहेव करती है एज ए वेव। लेकिन अगर हम पोलराइजेशन की बात करते हैं तो पोलराइजेशन में ये बिहेव करती है एज ए पार्टिकल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आप देखते हैं, पोलराइजेशन अगर आप देखते हैं, तो वहां ये एज ए पार्टिकल बिहेव करती है। तो यही हमें मॉडर्न फिजिक्स हमें बताती है। मॉडर्न फिजिक्स जो हमारी क्वांटम थ्योरी है वो हमें यही बताती है कि लाइट इज नाइदर ए वेव नॉर ए पार्टिकल। कि लाइट ना तो आपकी वेव है ना ही आपकी पार्टिकल है, बट इट हैज ए डुअल नेचर। कैसी नेचर है बच्चों इसकी? डुअल नेचर। कैसी नेचर है? डुअल नेचर, क्योंकि इट इज इमिटेड और एब्जॉर्ब। क्योंकि जब लाइट इमिट होती है या लाइट किसी के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है तो उसका बिहेव होता है, उसकी जो नेचर होती है वो ऑब्जेक्ट। कैसी नेचर होती है? ऑब्जेक्ट एज ए पार्टिकल। यानी कि अगर कोई किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर लाइट आपकी इमिट हो रही है या कोई ऑब्जेक्ट लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसकी नेचर होगी पार्टिकल। कैसी नेचर होगी बच्चों? पार्टिकल। बट जब ये प्रोपेगेट करेगी, लाइट जब किसी मीडियम में क्या करता है? प्रोपेगेट करती है, तो उसकी नेचर कैसी होगी? वेव नेचर होगी। तो इस बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि लाइट की नेचर होती है डुअल। कैसी नेचर होती है बच्चों? डुअल। ये डुअल नेचर इसकी होती है। आगे इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन कोई आ सकता है, जनरली ये मालूम नहीं किया जा सकता, मतलब किया जाता है लेकिन ये आपको पता जरूर होना चाहिए। आगे अगर हम देखते हैं सम इम्पोर्टेंट टर्म्स लाइट को लेकर के, अब हम इस पूरे चैप्टर में जब हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, हम इसमें जब रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो वहाँ कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे हमारा है रे ऑफ लाइट क्या है या बीम ऑफ लाइट क्या है। बार बार हम एक चीज बोलेंगे रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट है क्या? अगर हम ये देखें कि रे ऑफ लाइट क्या है, तो अगर आप यहां से देखते हैं रे ऑफ लाइट से, तो भाई रे ऑफ लाइट क्या है? लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लाइट की बताई थी कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। तो ये है कि लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। वन सच लाइन इज नॉन एज रे ऑफ लाइट। इसी लाइन को हम क्या बोलेंगे? ये जो लाइन है ये जो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इसी स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं बच्चों? रे ऑफ लाइट। नेक्स्ट अगर हम देखें बीम ऑफ लाइट, अगर आपकी काफी सारी रे बंच में एक साथ मूव करती हैं, अगर लाइट की काफी सारी रेज, ठीक है, काफी सारी रेज जब एक साथ बंच में मूव करेंगी, एक साथ बंच में प्रोपेगेट करेंगी, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? फिर हम उसको कहते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं जी? बीम ऑफ लाइट। यानी कि एक ग्रुप ऑफ लाइट रेज, लाइट रेज का जो ग्रुप है उस ग्रुप को जो कि ट्रेवलिंग कर रहा है टूगेदर इज कॉल्ड ए बीम ऑफ
लाइट, क्या कहते हैं जी, बीम ऑफ लाइट। और बीम ऑफ लाइट आपका तीन टाइप का हो सकता है, कौन सा, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और पैरेलल बीम। अगर हम इनको देखते हैं कि डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और पैरेलल क्या है, अगर थोड़ा सा यहां हम देखें तो अगर हम बात करते हैं डाइवर्जेंट बीम की, डाइवर्जेंट बीम हमें क्या बताएगा, यानी डाइवर्जेंट बीम क्या है, जो एक सोर्स से निकल करके जाए, डाइवर्ज हो यानी फैलता हुआ चला जाए, तो ये आपका जो बीम ऑफ लाइट होगी क्या होगा, डाइवर्जेंट। क्योंकि अगर आप ये देखें रेज को, अगर आप पीछे की तरफ देखें तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये एक सोर्स से निकल करके जा रही है, ठीक है, तो ये है हमारा डाइवर्जेंट बीम, ये आपका क्या है बच्चों, डाइवर्जेंट, इस टाइप से डाइवर्जेंट बीम है ये। और अगर हम देखें कन्वर्जेंट में क्या है, कन्वर्जेंट में है कि जहां पे ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट किसी एक पॉइंट पर ऐसे मिले या हमको ऐसा आभास हो कि ये मिल रही हैं एक पॉइंट पर, तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट बीम। क्योंकि अगर आप ये देखो आगे जाके तो ये बीम कहीं ना कहीं आपको ऐसे रियलाइज होगा जैसे एक ही पॉइंट पर मिल जाएंगे जाकर, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट बीम बोलते हैं। और अगर पैरेलल हो यानी कि जहां पे रे ऑफ लाइट आपकी आपस में कहीं मिले ही ना जा करके, तो उसे हम कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं जी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बीम ऑफ लाइट कितने टाइप की होती है भाई, तो बीम ऑफ लाइट होती है थ्री टाइप की। फर्स्ट है हमारा डाइवर्जेंट, सेकंड है कन्वर्जेंट और थर्ड है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट में क्या होगा, आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो किसी एक पॉइंट से आपको ऐसे निकलते हुए रियलाइज होगी, ऐसे फैलती हुई ये चली जाएंगी, जैसे देखें ना टॉर्च की लाइट देखते हैं ऐसे फैलती हुई, तो टॉर्च की लाइट क्या है, वहां पे जो बीम बना वो बीम कौन सा है, डाइवर्जेंट बीम है। अगर कन्वर्जेंट की बात करें तो कन्वर्जेंट में वो सारी बीम्स आकर के एक ही पॉइंट पर मिलती हुई हमको लगता है, या तो मिलेंगी या ऐसा हमको आभास होगा कि वो मिल रही हैं। और पैरेलल बीम में क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट, ये लाइन आपको कहीं मिलेंगी ही नहीं। अब अगर आप आगे देखते हैं तो आगे है आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये बेसिकली आपने वैसे नाइन्थ क्लास में या एट्थ क्लास में जरूर आपने बच्चों पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं। जैसा कि हमें पता है बच्चों कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें अपनी खुद की लाइट हो, यानी कि जो लाइट क्या करे, प्रोड्यूस करे, इमिट करे सेल्फ, जैसे हमारा सन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये क्या करते हैं आपकी लाइट इमिट करते हैं, तो ये हमारे कहलाते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कौन से ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, कि द ऑब्जेक्ट विच इमिट्स इट्स ऑन लाइट, जो अपनी खुद की लाइट को इमिट करे, ऑन लाइट को इमिट करे, वो होंगे हमारे ल्यूमिनस। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, सन है, स्टार्स हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब है, बर्निंग कैंडल एक्सेट, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के। अब अगर हम बात करते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के, तो वो ऑब्जेक्ट जिसमें अपनी ऑन लाइट ना हो, समझ रहे हैं ना बच्चों, नॉन ल्यूमिनस में क्या होगा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में होगा कि द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट पजेसिस इट्स ऑन लाइट, जिनमें अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, उनको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे आपका मून भी इसी में आता है, नॉन ल्यूमिनस में हमको लगता है कि नहीं मून आपका चमक रहा है, अपनी खुद की लाइट है, नहीं है। मून किसकी वजह से चमकता है, सन की वजह से, ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये नॉन ल्यूमिनस है। ठीक है, आगे अगर हम देखें, अगर हम देखें बच्चों आगे रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, कि लाइट का
रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन क्या होता है। तो अगर हम रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन की बात करते हैं तो हमें ये चीज पता है कि लाइट जो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और ये जो प्रॉपर्टी है लाइट की कि वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो उसी को हम कहते हैं ये जो इसका पाथ है, लाइट आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी तो उसका जो पाथ है उस पाथ को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर, क्या कहते हैं उसको, हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ और दिस इज नॉन एज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लाइट का ये क्या है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन है। अब एक क्वेश्चन आता है कि मीडियम क्या है भाई, है ना, ये वर्ड हम काफी यूज करेंगे जो हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे या रिफ्लेक्शन हम पढ़ते हैं तो हम यूज करते हैं मीडियम। मीडियम क्या है, एनी सबस्टेंस विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट, यानी वो कोई भी सबस्टेंस जो लाइट को क्या करे, अलाउ करे पास होने के लिए, अपने अंदर से लाइट को अलाउ करे पास होने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, मीडियम। क्या बोलते हैं बच्चों, मीडियम। और बेसिकली मीडियम आपका थ्री टाइप्स का होता है, कौन कौन सा अगर आप यहां देखते हैं तो देखें, एक है आपका ट्रांसपेरेंट सबस्टेंसेस, ठीक है, ये जो मीडियम है आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम बोल सकते हैं, ट्रांसपेरेंट सबस्टेंसेस। तो ट्रांसपेरेंट सबस्टेंसेस कौन से होते हैं बच्चों, ये वो सबस्टेंसेस हैं जिनके आर पार आप आसानी से देख सके, यानी कि लाइट क्या करे, ट्रेवल कर जाए, आर पार लाइट ट्रेवल कर जाए। कि द सबस्टेंसेस विच अलाउ द लाइट, विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट, यानी कि जो लाइट को अलाउ कर दे अपने अंदर से पास होने के लिए अलाउ कर दे, तो वो सबस्टेंस हमारे होंगे ट्रांसपेरेंट सबस्टेंसेस, जैसे आपका ग्लास है, एयर है, वाटर है, एक्सेट्रा, और काफी सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ट्रांसलूसेंट सबस्टेंसेस क्या होते हैं, तो भैया ये वो सबस्टेंसेस होते हैं विच अलाउ द लाइट टू पास पार्शियली थ्रू इट, यानी कि ये लाइट को पास होने के लिए अलाउ तो करेंगे लेकिन पार्शियली, टोटली लाइट को ये अपने अंदर से पास होने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। मान के चलो अगर आप कोई बीम ऑफ लाइट इन पे क्या करते हो, इंसिडेंट कराते हो, तो ये सबस्टेंसेस उसमें से कुछ पार्ट, है ना, सम पार्ट ऑफ लाइट को क्या करेंगे, अलाउ कर देंगे, पार्शियली उसको अलाउ कर देंगे, तो ये हमारे होंगे ट्रांसलूसेंट। जैसे एग्जांपल आपका बटर पेपर, अगर आप देखें, अगर हम प्लेन पेपर लें अपने सर में अगर ऐसे रगड़ते हैं ऑयल, तो आप देखेंगे कि हल्का फुल्का, बचपन में अगर हमें कोई डायग्राम ड्रॉ करना होता था तो ये काम है, हम अगर ट्रेसिंग पेपर नहीं है तो हम उसी को ट्रेसिंग पेपर बना लेते थे कि भाई पेपर लिया तो सर में लगाया, ऑयल हुआ और उससे ट्रेस करके कोई डायग्राम बना लिया। तो ये क्या है भाई आपका, ये है आपका बच्चों ट्रांसलूसेंट सबस्टेंसेस। नेक्स्ट आता है इसमें ओपेक सबस्टेंसेस। तो ओपेक सबस्टेंसेस क्या है कि जो बिल्कुल भी लाइट को अलाउ ना करें, अपने अंदर से पास होने के लिए बिल्कुल भी अलाउ ना करें, वो आपके ओपेक्यू में आएंगे। जैसे आपका वुड है, आपकी टेबल है, चेयर है, ठीक है, ये आपके किस में आएंगे, ओपेक्यू सबस्टेंसेस में आएंगे। आगे अगर हम देखें अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये मैं पीछे बता चुका हूं लेकिन एक बार थोड़ा सा देख लें इसको, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने इसको काफी अच्छे से बताया था, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा सा देख ले रहे हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात करते हैं कि व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन ए मीडियम, क्या कि लाइट जब क्या करे, ट्रेवल करे इन ए मीडियम, फॉल्स ऑन ए सरफेस देन इट रिटर्न्स बैक इन द सेम मीडियम। क्या करते हैं कि अगर आप किसी पॉलिशिंग सरफेस पर, किसी स्मूथ सरफेस पर अगर लाइट इंसिडेंट कराते हो, तो भैया जिस मीडियम से आपने लाइट इंसिडेंट कराई है ना, अगर लाइट वापस उसी मीडियम में लौट जाती है ना, तो वो क्या होगा आपका, इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं बच्चों,
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हमने बहुत अच्छे से लास्ट वीडियो में भी देखा था। अब अगर आपसे कोई कहे कि भाई टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कितने टाइप से आपकी लाइट रिफ्लेक्ट कर सकती है, तो ये हमने तब डिस्कस नहीं किया था, ये थोड़ा हम देखे ले रहे हैं। तो भैया रिफ्लेक्शन होता है आपका टू टाइप, एक तो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर बात करें रेगुलर रिफ्लेक्शन की, तो भाई रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, अगर आप देखते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, जब आपका व्हेन ए बीम ऑफ पैरेलल रेज फॉल्स ऑन ए स्मूथ एंड हाईली पॉलिश्ड सरफेस, यानी कि अगर आप एक बीम ऑफ लाइट को हाईली पॉलिश्ड सरफेस पर या हाईली स्मूथ सरफेस पर जब इंसिडेंट कराते हैं, तो भैया क्या होता है, जैसे हाईली पॉलिश्ड सरफेस क्या, जैसे आपका मिरर, हम सभी जानते हैं मिरर को, रोज चेहरा तो देखते ही है ना अपना मिरर में भाई, तो पता है ये मिरर क्या है, ये हाईली पॉलिश्ड सरफेस है। तो देन आफ्टर रिफ्लेक्शन द रेज ऑफ द बीम रिमेन्स पैरेलल, तो सच ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी कि जहां पे आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई हाईली पॉलिश सरफेस है, रे आए और रिफ्लेक्ट होकर के इक्वली जाए, ठीक है, तो ये होगा आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब अगर हम इरेगुलर की बात करते हैं भाई, या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, या तो इरेगुलर या आप इसे कह सकते हैं डिफ्यूज, तो इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या है कि जब अगर आप एक बीम पैरेलल रेज का, रेगुलर में क्या था, रेगुलर में आपने एक पैरेलल बीम इंसिडेंट कराया तो वो पैरेलल ही बैक कर रहा था उसी मीडियम में, क्या हो रहा था कि एक पैरेलल बीम आया और वो उस मीडियम में फिर रिटर्न बैक कर गया और रेज उसकी पैरेलल ही रही, तो ये तो था रेगुलर। और अगर ऐसा हो कि आप एक पैरेलल बीम इंसिडेंस कराते हैं सरफेस पर जो रिफ्लेक्टेड बीम है, यानी जब वो रिटर्न बैक उसी मीडियम में करे, तो रेज आपकी पैरेलल ना रहे, तो ये क्या होगा आपका इरेगुलर होगा, क्या होगा भाई इरेगुलर होगा, है ना। तो जैसे आप इसे थोड़ा सा देख सकते हैं, अगर हम इसे कोशिश करते हैं ड्रॉ करने की, तो थोड़ा ऐसे देख सकते हैं कि जैसे ये आपका एक हाईली पॉलिश सरफेस है। अब यहां आपने हाईली पॉलिश सरफेस है भाई, मान के चलो मैंने प्लेन मिरर ले लिया, मैंने ऐसे यहां पे एक बीम इंसिडेंट कराया, ये पैरेलल बीम, तो ये जिस मीडियम से हमने रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराया, ये बिल्कुल उसी फॉर्म में जितने एंगल से आया उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये रे क्या है आपकी पैरेलल, पैरेलल बीम आया और वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी मीडियम में जो रिटर्न किया, वो रिटर्न रेज भी आपके क्या है, यानी कि रिफ्लेक्टेड रेज भी आपके क्या है, पैरेलल ही है। तो ये हो गया हमारा रेगुलर रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, और अगर सरफेस ऐसा हो आपका स्मूथ सरफेस ना हो, इस टाइप से सरफेस हो, आपने एक पैरेलल बीम यहां इंसिडेंस कराया, लेकिन भाई यहां से वो पैरेलल नहीं है, अगर आप ये देखें, यानी आपकी जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो पैरेलल नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया इरेगुलर, क्या हो गया इरेगुलर रिफ्लेक्शन। कौन सा रिफ्लेक्शन हो गया ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है। अब हम आगे देखें अपने नोट्सों में, तो फिर आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि लास्ट वीडियो में हम डिस्कस भी कर चुके हैं। रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं, फर्स्ट क्या है कि आपकी इंसिडेंस रेज, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल,
तीनों एक ही पॉइंट में, मतलब एक ही प्लेन में लाई करेंगे, तीनों आपका सेम प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आप यहां देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हमेशा इक्वल होगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ठीक है। ये आप, अगर मैं ये आपसे पूछूं अभी कि कौन सा रिफ्लेक्शन है, तो ये है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे जो रे आ रही है सेम एंगल पे आपकी रिफ्लेक्ट होके जा रही है जी, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक यहाँ हम देखें, नेक्स्ट आता है इमेज। इमेज क्या है, सुबह के टाइम हम स्कूल के लिए रेडी होते हैं, हाथ धो करके हम अपने बाल बनाने के लिए मिरर के सामने जाते हैं, तो हमें अपना फेस मिरर में दिखाई देता है ना, तो ये